हवाई फायरिंग से दहशत प्लॉट पर कब्जे को लेकर जमकर फायरिंग की गई है। दो पक्षों में कब्जे को लेकर हवाई फायरिंग हुई है। हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। असलाहा लहराकर दबंगों ने दहशत फैलाई है। ससवान के गोपालगंज क्षेत्र का मामला, तो प्लॉट पर कब्जे को लेकर फायरिंग हुई है। हवाई फायरिंग से दहशत तमंचा लहराया गया है। ये वीडियो, असलाहा लहराकर दबंगों ने दहशत फैलाई है। ससवान के गोपालगंज क्षेत्र का मामला है। असलाहा लहराकर, देखिए आप, जमीन के लिए जंग हो रही है। एक तरफ सोनभद्र का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, दूसरी तरफ जमीन के लिए लगातार दो पक्ष में भिड़े। अरविंद हमारे संवाददाता बदायूं से ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। अरविंद, क्या कुछ ये पूरा मामला था, कहां पर ये हुआ है और फायरिंग तक हुई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ससवान कोतवाली इलाके गोपाल का मामला है। यहां दो पक्ष एक प्लाट पर कब्जा करने को लेकर आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग करते हुए जमकर असले लहराए। और जब मौके पर जब पुलिस पहुंची तो दोनों पक्ष जो मौके से फरार हो गए। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसको लेकर पुलिस अभी पड़ताल कर रही है कि कौन लोग हैं जिस वीडियो में फायरिंग कर रहे हैं और असला लहरा रहे हैं। जिस तरह से अभी सोनभद्र में कांड हुआ, इसी को लेकर देखिए गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए पुलिस बहुत ज्यादा सख्त है एकदम से, और आरोपियों की तलाश जारी है। वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि कौन से लोग हैं, तो किसी को पकड़ा नहीं गया अभी तक इस पूरे मामले में? बिल्कुल, अभी तक जैसे पुलिस को जो कहना है कि अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं है। उन्होंने वीडियो के आधार पर उनकी शनाख्त करने में जुटी हुई है। बावजूद इसके अभी इस तरह से हौसले बुलंद हैं अपराधियों के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए, खबर बलरामपुर से है, जहां पर महिला समाज सेविका पर ताबड़तोड़ फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने लक्ष्मी निषाद को मारी है 5 गोलियां। बलरामपुर में समाज सेविका पर ताबड़तोड़ फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने लक्ष्मी निषाद को 5 गोलियां मारी है। मृत समझकर बदमाश मौके से फरार। गंभीर हालत में समाज सेविका अस्पताल में भर्ती। मरा समझकर बदमाश मौके से फरार। पुलिस हमलावर बदमाशों की तलाश में जुटी। देहात थाना क्षेत्र के कोडरी बाजार की घटना है। पुलिस हमलावर बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस हमलावर के तलाश में जुटी है। देहात थाना क्षेत्र के कोडरी बाजार की घटना। आप देखिए किस प्रकार से बदमाशों के हौसले बुलंद है। बलरामपुर में समाज सेविका पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। अज्ञात बदमाशों ने लक्ष्मी निषाद को 5 गोलियां मारी है। मरा समझकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। देहात थाना क्षेत्र के कोडरी बाजार की यह घटना है। गंभीर हालत में समाज सेविका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 गोलियां लगी है। निश्चित तौर पर हालत काफी गंभीर। पुलिस हमलावर बदमाशों की तलाश में जुटी है। और सलील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। क्या कुछ अपडेट आपके पास, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है ग्राम सेविका की, समाज सेविका की? ये मैं बताना चाहूंगा कि ये लक्ष्मी जो समाज सेविका है जी, ये कोर्डी गांव में किसी काम से गई थी और वहीं पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने इनको लगातार 5 गोलियां मार दी। इनके कमर में जो है वो सब गोलियां लगी है। और वो बदमाश जब गोली सुनने चलने की आवाज थी तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कुशीनगर से, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ है, 11 लोग घायल हुए हैं। सोनभद्र के बाद कुशीनगर में खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। कुशीनगर में खूनी संघर्ष, 11 लोग घायल। सोनभद्र के बाद कुशीनगर में खूनी संघर्ष। सोनभद्र का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। और आप देखिए, ये कुशीनगर में खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राम कोला सीएचसी में भर्ती कराया गया। रास्ते को लेकर दोनों में एक पुराना विवाद था। कुंदन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। कुंदन, सोनभद्र की घटना अभी ठंडी नहीं हुई है और ये कुशीनगर में क्या कुछ हुआ है, ये पूरा मामला बताएं। जी खुशबू, आपको मैं बताना चाहूंगा, रामखोला थाना क्षेत्र के सज्जन छपरा की ये घटना है। दो दिन पहले कुछ लोग इस विवाद को हल कराने के लिए एक बैठक भी किए थे, लेकिन पिछली रात ये रामकोला के सज्जन छपरा में आपसी विवाद जो कि जमीन का है, जहां धारदार हथियार चलते हैं और इस बीच में सोहन चौहान और सुमेर के बीच में विवाद होता है, जिससे दोनों पक्षों में कुल 11 लोग
दुर्घटना में ग्रसित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बात अब सोनभद्र की। सोनभद्र नरसंहार पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। रात भर चुनार गेस्ट हाउस में रुकी प्रियंका गांधी, सोनभद्र जाने पर अड़ी हुई है प्रियंका। प्रियंका का जमानत लेने से इनकार। प्रियंका के समर्थन में रात भर कांग्रेस का प्रदर्शन। कूलर की हवा में कटी है प्रियंका की रात। रात भर एक के बाद एक कई ट्वीट करती रही प्रियंका। तो कूलर की हवा में प्रियंका की रात कटी है। रात भर एक के बाद एक कई ट्वीट करती रही। सोनभद्र नरसंहार पर सियासी संग्राम। सोनभद्र में 17 जुलाई को जो हुआ, जो 10 लोगों की हत्या हुई, उसके बाद अब यह सियासी संग्राम लगातार बढ़ता हुआ। रात भर चुनार गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी रुकी, एक के बाद एक ट्वीट करती रही। सोनभद्र जाने पर अड़ी हुई है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने यह कह दिया है कि वो बिना मिले पीड़ितों से जाएंगी नहीं। मिर्जापुर में प्रियंका को रोक लिया गया, प्रियंका का जमानत लेने से इनकार है। प्रियंका गांधी सबसे पहले देखिए वाराणसी पहुंची थी, ट्रामा सेंटर में मुलाकात की उन्होंने, और उसके बाद जैसे ही वो मिर्जापुर पहुंची आगे बढ़ने लगी। सोनभद्र के लिए उनको रोक लिया गया और मिर्जापुर में देखिए कमिश्नर और एडीजी पहुंचे, उनसे लगातार कोशिश की गई कि उनको समझा दिया जाए, लेकिन धरने पर रही प्रियंका। लेकिन निर्णय कोई नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कहना है कि जब तक हम पीड़ित परिजनों से मिलेंगी नहीं, किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाएंगे। परिणाम जो भी हो, या तो जेल भेजो, नहीं तो पीड़ित परिजनों से मिला। अच्छा, नहीं तो एडीजी साहब का क्या कहना था, कमिश्नर भी थे एडीजी भी। ये लोग यही कह रहे थे कि आप यहाँ से चले जाएं और यहाँ से जाने दें, मामले को ख़त्म करने का प्रयास। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जिस कारण से आए हैं, जो हमारा दर्द है, हम आदिवासियों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं, जिनके साथ नरसंहार जैसी घटना हुई, उनके पीड़ितों का आंसू पोंछने आए हैं। तो ये देखिए लखनऊ और सहारनपुर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां प्रियंका सोनभद्र जाने के लिए अड़ी रही, मिर्जापुर में उनको गेस्ट हाउस में रखा गया, नजरबंद किया गया, वहीं लखनऊ और सहारनपुर में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शन भी सामने आया। रात भर प्रदर्शन चलता रहा यहाँ पर लखनऊ और सहारनपुर में। सोनभद्र में हुए 10 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में कल से ही प्रियंका गांधी को चुनार किले के गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करके नज़रबंद किया गया है। प्रियंका गांधी जो है वो कल बनारस में जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं ट्रामा सेंटर में उनसे मिली, उसके बाद उनका जो दौरा था वो सोनभद्र में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने के लिए था। उसी के बीच में नारायणपुर में उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो है इसी चुनार किले के गेस्ट हाउस में उनको लाया गया है। कल से वो चुनार किले के गेस्ट हाउस में यहीं पे उनको नज़रबंद भी किया गया है। हालांकि जो प्रियंका गांधी हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रशासन हमको पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं देगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब जबकि प्रशासन का ये कहना है कि हम वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है धारा 144 लागू कर दी गई है और उसके बाद हम प्रियंका गांधी को वहाँ पर नहीं जाने देंगे। हालांकि जो 151 का उनके ऊपर नजर उनको पाबंद किया गया उसमें उनको जमानत भी करानी है, लेकिन प्रियंका गांधी जमानत कराने को तैयार नहीं है। हालांकि कल देर रात यहाँ पे एडीजी, बनारस मंडल के कमिश्नर, मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर और डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव से तकरीबन एक घंटे की वार्ता चली। वार्ता पूरी तरीके से विफल रही। प्रियंका गांधी अपने जो एक दृढ़ निश्चय करके आई हैं कि वो किसी भी सूरत में पीड़ित परिवारों से मिलेंगी उस पर पूरी तरीके से कायम है। और यहाँ पर देर रात पीएल पुनिया भी पहुँचे हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता अजय कुमार लल्लू भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आपसे बता दें कि जो यहाँ की जानकारी ये भी है कि कुछ टीएमसी के सांसद भी आज यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और चूंकि जो प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का मामला है वो पूरे देश भर में चल रहा है, इसलिए आज कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन भी करने वाली है। क्योंकि अभी प्रियंका गांधी यहाँ पे रात में रुकी थी, यहाँ पे यही वो गेस्ट हाउस है चुनार का, जहाँ पे वो रात में आज रुकी हैं और उसके बाद अभी कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगी। फिर जो एक कार्यकर्ताओं की रणनीति होगी, आगे की रणनीति क्या होती है। मिर्जापुर से भारत समाचार के लिए पवन त्रिपाठी। इस समय मैं चुनार किले के गेस्ट हाउस पर खड़ा हूँ। आपसे बता दें कि आज प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का दूसरा दिन है, चूँकि इसी गेस्ट हाउस में उनको कल से नज़रबंद किया गया है। और प्रियंका गांधी जो हैं वो अपनी बात पे अड़ी हैं कि बिना हम सोनभद्र में नरसंहार में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे। आपसे बता दें कि ये चुनार का जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे कल उनको
खाना पीना की व्यवस्था रात में की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो गंदगी है, चुनार एकदम पूरी तरीके से, जो गेस्ट हाउस है यहाँ का वहाँ पे किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्लास्टिक के बोतल हो गए, कागज़ का टुकड़ा हो गया, गंदा गंदा खाना, मतलब कुल एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पूरी तरीके से एकदम जो गंदगी फैलाने की जो मानसिकता एक होती है उस तरीके का यहाँ पे काम किया गया है। हम इसमें मौजूद हैं चुनार गेस्ट हाउस पर, जहाँ प्रियंका वाडेरा को रखा गया है। पूरी रात वो गेस्ट हाउस कमरे में रही। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक जी, आइए बात करते हैं रात कैसी गुजरी। देखिए काफ़ी देर तक रात को यहाँ पे सारे प्रशासन के बड़े अधिकारी लोग सब यहाँ मौजूद थे, बहुत यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद था, और रात को करीब 2-2.5 बजे तक उन पे दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो किसी तरह से यहाँ से चली जाए, और बहुत देर तक चर्चा हुई लेकिन वो अपनी बात पे बिल्कुल डटी हुई थी। और हमारे साथ इसी खबर पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए नेता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका भारत समाचार पे आज। अजय जी चलिए हम बातचीत करेंगे अजय जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का क्या कुछ प्लान है उन लोगों का, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए जो कुछ हो रहा है सोनभद्र के मसले पर, अब ये जानना जरूरी है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्या कुछ करने वाला है। सोनभद्र पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। 17 जुलाई को जो कुछ हुआ सोनभद्र में उसने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया, और उसके बाद अब जिस प्रकार से विपक्ष ने अपने आप को सामने लेकर आया, और दिनेश शर्मा हमारे साथ डिप्टी सीएम जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका सर भारत समाचार पर। सर क्या कुछ आज होने वाला है जिस प्रकार से प्रियंका अड़ीवी है, सर आप लोग क्या करेंगे, उनको जाने देंगे सोनभद्र या नहीं? सर देखिए यहाँ की प्रत्येक नागरिक को कहीं भी जाने का अधिकार है, जाने की कहीं मनाही नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है कि वहां पर जाने से लाभ होना है या अशांति फैलनी है जी। किसी घटना में जो दुखद दुर्घटना हो उस दुर्घटना में जाकर और जहां पर धारा 144 तथा 144 लगी हुई हो वहां पर बगैर अनुमति के चले जाना जी। एक एसपीजी प्रोटेक्टिव व्यक्ति के लिए जी। मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जब वहां पर हालात तनावपूर्ण ना हो और सामान्य स्थित हो तो कोई भी जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से जब तनावपूर्ण स्थिति हो वहां पर जाकर मैं समझता हूँ कि एक और अशांति फैलाना होगा। इसलिए मेरे सभी जो राजनेता हैं उनके साथ हमेशा ये इस बात की अपेक्षा रहती है जी। कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या किसी बड़ी दुर्घटना में जी। हम अपना राजनीतिक लाभ देखकर और व्यवहार करें ये उचित नहीं है। सर एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि उनको सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात करनी है, या तो आप पीड़ितों को वहां पर बुला दें या फिर वहां पर मुझे लेकर जाएं, तो सर आखिर विपक्ष में जब है तो उनकी भी वो भूमिका बनती है, वो भी चाहती है कि वो पीड़ितों से मिले, तो इसमें सर दिक्कत कहां पर आ रही है? जिस स्थान पर जाने की बात हो रही है वहाँ दोनों पक्षों के बीच तनाव व्याप्त है जी। और कई जगह पर जो हृदय विदारक घटना घटी है जी। उससे संबंधित लोग अगर पीड़ित से मिलने की अपेक्षा होती तो पीड़ित जितने हैं जी। वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में थे जी। उनके परिजन वहाँ पर भर्ती हैं जी। और उनसे जाकर प्रियंका जी मिल चुकी हैं जी, जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि मिलने के बहाना जी। किसी और प्रकार की घटना वहाँ पर ना घटे ये सरकार की भी प्राथमिकता होती है। सरकार की प्राथमिकता है कि एट एनी कास्ट शांति व्यवस्था बरकरार रहे जी, और सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करती है जी। जी सर जैसे कि विपक्ष है और उनकी भूमिका भी अपनी है, वो भी चाहते हैं कि वो पीड़ितों के जरिए मिले, अपनी बातों को रखो, तो ऐसे में सर ऐसे में अगर प्रियंका गांधी नहीं मिल पाएंगी तो सरकार की भी तो सर भूमिका सामने आ जाती है ना कि आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पाए इसलिए प्रियंका गांधी मिल नहीं पा रही है। सर एक मैसेज जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो जी जी किसी को मिलने से मनाही नहीं है। सामान्य परिस्थितियां हो जाए जी 1-2-3-4 दिन में कोई भी जाकर वहां पर मिल सकता है जी, लेकिन जब असामान्य परिस्थितियां हो जी उसी समय जाने की अपेक्षा ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक स्टंटबाजी होता है और लोग राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इस प्रकार जाने की
सोचते हैं, स्थितियां सामान्य हो जाएं, कोई भी जाए सरकार को कोई मनाही नहीं होगी। मतलब सर अभी ये अभी जैसा सर अभी ऐसा लग रहा है कि सोनभद्र में स्थिति सामान्य नहीं है और प्रियंका गांधी को वहां पर नहीं जाना चाहिए। अभी घटना तत्काल घटी है, सामान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी जी, अभी घटना तत्काल घटी है और तनाव होना स्वाभाविक है जी, और वहाँ पर लोग अपने आप को सामान्य स्थिति में ले जाएं, उसके बाद कोई भी वहाँ पर जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो सर प्रियंका गांधी के जाने से क्या वहाँ स्थिति और खराब हो सकती है ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को? देखिए, आपको कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है जी कि ये जो घटना है इसके पीछे 1955 की वो घटना आती है कि 1955 से ये पहले से ही है, हमारे जो आदिवासी दलित थे उस पर काबिज थे और अपनी खेती कर रहे थे। 1955 में कांग्रेस सरकार के दौरान इसको ट्रस्ट को दे दिया गया जी। और ट्रस्ट के बाद जब ट्रस्ट को दे, ये ग्राम सभा की जमीन थी जिस पर काबिज थे आदिवासी क्षेत्र के लोग जी, जी। और ट्रस्ट देने के बाद में 1989 में किसी प्राइवेट व्यक्ति को दाखिल खारिज करा दिया गया जी। तब भी कांग्रेस की सरकार थी जी सर। कांग्रेस के द्वारा ही इस पूरे प्रयोजन को कि जो निरीह दलित और आदिवासी थे उनकी जमीन को जिसपे वो जोत रहे थे उनसे लेकर निजी लोगों को बेच दिया गया उस शासन काल में जी। और आज जब ये परिस्थिति है आज उसको उठाकर मैं समझता हूँ कि उनको पिछले अपने पूर्ववर्ती कांग्रेस के जो शासक थे जी। उनका पश्चाताप करना चाहिए था कि उनके शासन काल में इस प्रकार की सर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं जिस प्रकार से आपने एक ट्वीट भी किया था देर रात की ये सब पश्चाताप है और उस चीज को देखने के लिए प्रियंका जा रही है। बहरहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिनेश शर्मा थे डिप्टी सीएम जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि अभी वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है, कुछ दिनों के बाद चाहे तो प्रियंका वहां पर जा सकती है, बातचीत कर सकती है, मिल सकती है, लेकिन अभी जिस प्रकार से प्रियंका जो रवैया है कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव तरीके से जुड़े हुए थे, बातचीत की हमारे साथ डिप्टी सीएम ने, उन्होंने ये तमाम बातें की। और देखिए दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएं कि कैसे गुजरी है प्रियंका की रात। देखिए प्रियंका रात 1:30 बजे तक ट्वीट्स करती रही, प्रियंका कार्यकर्ताओं से बार बार मिलती रही रात भर। और हमारे साथ पीएल पुनिया जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पे सर। सर क्या कुछ आज का प्लान है आप लोगों का? प्रियंका गांधी को तो हिरासत में ले लिया गया है, जाएंगी मिलके रहेंगी क्या? हेलो सर आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। चलिए हम संपर्क जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि जुड़ पाए और हम बातचीत कर पाए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर क्या प्लान है। एक तरफ जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि अभी जाना सही नहीं है, स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद चली जाए। दूसरी तरफ अब कांग्रेस का पक्ष भी हम जानने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। लगातार भारत समाचार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखा रहा है, लगातार भारत समाचार आपको बता रहा है कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। प्रियंका गांधी अड़ी हुई है कि उन्हें मुलाकात करनी ही करनी है। दूसरी तरफ जो सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ऐसा लगता है कि वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है तो अभी वहां पर प्रियंका को नहीं जाना चाहिए। सोनभद्र में 17 तारीख को जो कुछ हुआ है उसने यूपी के पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वो वहां मात्र उन पीड़ितों के आंख के आंसू पोंछने जा रही है, उन्हें नहीं जाने दिया गया, रोक लिया गया, कोई लिखित आदेश नहीं, किसी मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं, कोई आदेश मांगा जा रहा है तो आदेश नहीं, कहा जा रहा है कि ऊपर के आदेश है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोकतंत्र है या तानाशाही है, अघोषित इमरजेंसी है, किस आधार पे उन्हें रोका गया है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अगर चाहें तो मैं एक या दो प्रशासन के साथ चलने को तैयार हूं, मैं अकेले चलने को तैयार हूं। तो ये तो एक पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और यह हमें याद दिलाता है बेलछी का, बिहार का। इंदिरा जी ऐसे नरसंहार के बाद जा रही थी।
तो देखिए जो कुछ सोनभद्र में हो रहा है उसकी पल पल की ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत समाचार आप तक कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, और लगातार हम आपको बताएंगे कि आज भी क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रियंका लगातार अड़ी हुई है मिर्जापुर में। वो ये कह रही है कि वो पीड़ितों से मुलाकात करके रहेंगी, वहीं प्रशासन जो है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहा है। बहरहाल रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप लगातार देखते रहिए भारत समाचार।